हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कि सीओ एक वेबसाइट पे एज एन आर्किटेक्ट आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं खुद को। तो इसके लिए क्या होता है, सीओ की वेबसाइट पे आ जाना है अपन को, ई सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे देखेंगे आपको यही ऑप्शन दिखेगा, रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन एज एन आर्किटेक्ट। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक लेटर मिलेगा सीओ के थ्रू, वो आप देख लें। उसके बाद में यहाँ साइड में लिखा रहता है अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन आर्किटेक्ट। इससे पहले भी अपन को मतलब सबसे पहले एक प्रोसेस होता है एनरोलमेंट नंबर का, वो करना जरूरी रहता है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, अभी जैसे मैं यहाँ पे ईयर ऑफ मेरा सेलेक्ट करूँगा एडमिशन का, तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर मांगेगा। तो वो एनरोलमेंट नंबर जानने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सी ओ एनरोलमेंट नंबर लिख के आप सर्च करोगे तो यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन होगा। इधर आपको अपना इंस्टीट्यूट ढूंढना है। ये इंस्टीट्यूट ढूंढने के लिए क्या है, जैसे ये आगे का कोड है वो एपी, तो आपको जैसे अगर मैं राजस्थान का हूँ तो मेरे को यहाँ पे आरजे पे चला जाना, आरजे कोड पे आ जाएगा। क्या जैसे ये मेरा यूनिवर्सिटी का हो गया ये कोड, उसके बाद एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेना है 2017-18। यहाँ पे आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है जो आपके सर्टिफिकेट के अंदर हो। तो उसके बाद में आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको ये सेंसिटिव केस डाल देना है और फिर सर्च करोगे तो यहाँ पे लोड होके आपके पास आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। मैं प्रोसेस करके बता देता हूँ। देखेंगे हम लोग को ये पूरा डिटेल मिल गया है, ये यहाँ पे मेरा इनरोलमेंट नंबर आ गया है। तो इस इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पे अपन कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पे लाके इनरोलमेंट नंबर को पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे फिर से हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, जिससे आप वही ईमेल आईडी डालें जो वर्किंग हो और वही नंबर डालें जो वर्किंग हो, क्योंकि सीओए के मेल वगैरह जो भी होंगे फिर उसी पे आएंगे। ओके की सबमिट करने के बाद में ये कैप्चा आप भरने के बाद में अपने यहाँ आ जाएगा क्लिक हियर, उसके बाद में फिल एप्लीकेशन पर क्लिक कर दो तो ये अपना एक इंस्ट्रक्शन का पेज खुलेगा। इसको बहुत ध्यान से पढ़ो, इसके अंदर जितनी भी चेकलिस्ट लिखी हुई है ये सारे अपने पास सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए और हार्ड कॉपी भी आपको प्रिंट करवा के दिल्ली के जो मेन अपना सीओए का ऑफिस है वहाँ पर सेंड करना। उसके बाद में ये अपना एप्लीकेशन का फॉर्म खुल गया, इसमें ऑलरेडी ये सब फिल्ड अप रहता है, अपने कॉलेज वाले पहले से फिल्ड अप करके रखते हैं। इसके अंदर मतलब कुछ भी चेंजेस करने हैं वो भी आप यहाँ पे कर लो, मतलब माइनर चेंजेस रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते। इधर आपको आपका पूरा बेसिक डिटेल्स सारा फिल करना है, 12th के मार्कशीट में जो अपने मार्क्स थे वो सब फिल करना है, अच्छे से देख के फिल करें। अगर आपने एक भी कुछ भी गलत मिसप्लेस कर दिया नंबर तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, उधर से कॉल आ जाएगा वैसे आपको, तो आपको रिटर्न फिल करना पड़ेगा। इधर अपन को ऑप्शन भी मिलता है कि आपको प्रोविजनल मार्कशीट अपलोड कर रहे हो या फिर भेज रहे हो, दोनों चीज करनी है, अपलोड भी करना है भेजना भी है, या फिर जो आपका डिग्री है वही वाला आप भेज रहे हो या अपलोड कर रहे हो, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद में 600 का पेमेंट रहेगा, वो पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सारे डॉक्यूमेंट का एक लिफाफा बनाना है, लिफाफे के अंदर सारे डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी प्रिंट करवा के और वो अपन को सीओए के मेन जो ऑफिस ब्रांच है उधर अपन को सिर्फ भेजना है बस, उसके बाद में अपना काम हो गया। 3 मंथ का कुछ 2 या 3 मंथ का प्रोसेस लगता है, उसके बाद में वो अपने आप अपन को अपने रजिस्टर्ड जो एड्रेस रहता है उस पर अपन को अपना सीओए का लाइसेंस आ जाएगा।